गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन, हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। हाउ टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको भी ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन बनाने जा रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं। इससे पहले हमारे किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट मीन्स कि फ्रैक्शन में अगर हो और भी कोई टॉपिक जो पढ़ा चुके हैं अभी तक में, तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर क्लास भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे बनाते हैं इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है और हम अगर एक चीज बनाना सीख जाएंगे, एडिशन बनाना सीख जाते हैं आसानी से, असेंडिंग डिसेंडिंग पुट द साइन ग्रेटर स्मॉलर, फ्रैक्शन मींस की ग्रेटर फ्रैक्शन स्मॉलर फ्रैक्शन पहचानना, सब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आइए हम लोग एडिशन से देखते हैं कि कैसे करते हैं। इससे पहले एक चीज बता देते हैं, 2/4, 3/8, इस फ्रैक्शन में ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, मीन्स कि बड़ा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। इसके लिए दो मेथड है। एक मेथड जो है जो बहुत ही इजी मेथड है, जो जनरली बुक में दिया हुआ रहता है, इस मेथड से हम आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा सा। जनरली बुक में दिया हुआ रहता है 4:8 का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको करना क्या है, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना है, 80 आएगा। एलसीएम इसका ले करके इसको अब क्या करेंगे हम लोग, नहीं चलिए हम इसको जिस मेथड से हम बनाते हैं उस मेथड से हम बनाकर देखते हैं पहले। ओके, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 2, और इस नोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4। ओके, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 8 × 1 = 8, और इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहां पर देख क्या रहे हैं, ये फ्रैक्शन हमारा तैयार हो गया 4/8 और 3/8। अब ये फ्रैक्शन बन गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे 8 जो है एलसीएम ले लिए थे, ये इसका भी 4/8 का भी डिनोमिनेटर है और 3 का भी डिनोमिनेटर 8 है, तो ये जब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो ये 4 और 3 में हम कंपेरिजन आसानी से कर सकते हैं कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि 4 जो है हमारा बड़ा नंबर है, तो हम ऑलरेडी बता सकते हैं इसको आसानी से कि 2/4 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, आप लोग समझे या नहीं समझे, आइए फिर से एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। 7/5 और 8/3, आइए इस फ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। चलिए आप लोग भी कॉपी में नोट कीजिए, 7/5, 8/3 नोट कीजिए जल्दी से। लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं सभी नोट कीजिए, 7/5 और 8/3 नोट कीजिए, कम ऑन। चलिए अब आप लोग 5 और 3 का एलसीएम लीजिए। आपको हम सिखाए हैं 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 5 और 3 जब
प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम नंबर। तो जब एलसीएम ना निकले तो हम आपस में उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे भी एलसीएम निकाल करके लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें लास्ट में करते हैं, पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/3 का जब एलसीएम हम निकालते हैं तो हमारा आता है 15। चलिए 5/3 का एलसीएम नहीं आएगा, इट इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो हम लोग उस कंडीशन में एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई किए। अब इस डिनोमिनेटर से देखिए, इस डिनोमिनेटर से 7/5 जो है, 7/5 में 5 आपका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से 15 को डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर से 15 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते ही क्या होगा, 5 3 15, 3 आ गया हमारा। और इसके नोमिनेटर से, इसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर, नोमिनेटर कितना है 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21। क्या आप लोग का भी इतना आ गया है? इस फ्रैक्शन का 5 फ्रैक्शन जो है, इसके डिनोमिनेटर से 15 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम जो निकाले हैं, इस फ्रैक्शन डिवाइड, एलसीएम डिवाइड कीजिए 7/5 में, 5 से 15 को डिवाइड कीजिए तो 5 3 15, और इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए 3 7 21। आइए इसको देखते हैं, 3 से 8/3 जो फ्रैक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा 3 है, इस 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ रहा है, 3 5 15, 3 5 15। और जब 3 5 15 हो गया तो डिवाइड करके हमको आ गया क्वेश्चन 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 40। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन का आया है 21/15 और इस फ्रैक्शन का आया है 40/15, दोनों का लैक फ्रैक्शन में आ गया 15 डिनोमिनेटर 15 डिनोमिनेटर। तो हम आसानी से बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हु इज द ग्रेटर, कौन है बड़ा। तो हमको दिख रहा है कि 8/3 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, 8/3 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। क्या आप लोग इसको वर्कआउट किए? आइए इसको भी वर्कआउट कीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, कहीं एक क्वेश्चन हम और लिख करके आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आपस में बातचीत नहीं करेंगे, लाइव क्लास में जो भी बच्चे हैं आपस में बातचीत नहीं करेंगे, लाइव क्लास में जो भी बच्चे हैं आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल ट्राई किए हैं, और भी एक एग्जाम्पल हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए, और इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप समझे कि नहीं समझे, पहले अच्छे से समझा लेते हैं, इसके बाद पूछना है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 15/7, 13/15/4, 13/6। चलिए इस फ्रैक्शन में आप देखिए 4 और 6 का आप एलसीएम फाइंड आउट कीजिए जल्दी से, कम ऑन प्यारे बच्चों, कम ऑन 4/6 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, 15/4 नोट कीजिए कॉपी में, साथ साथ बनाएंगे इस बार, 15/4, 13/6 एलसीएम फाइंड आउट कीजिए जल्दी से, कम ऑन कम ऑन। एलसीएम बताइए कितना आया, थोड़ा सा एलसीएम का भी चेकअप हो जाए, एलसीएम कितना आ गया बाबू, 4/6 का एलसीएम कितना आ गया, 4/6 का एलसीएम 24 आ गया बेटा, थोड़ा सा डाउट लग रहा है कैसे 24 आ गया, 23, हाउ टू फाइंड इट, क्या किसका आंसर आप लोग बोल रहे हैं बेटा, 4/6 15/4 13/6, 15/4 13/6, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए,
फोर और सिक्स का एलसीएम कितना आएगा? फोर और सिक्स का एलसीएम, फोर सिक्स कैल्सियम का बात हो रहा है बेटा। आप लोग को फिर से कैल्सियम चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से। फोर और सिक्स कैल्सियम 12 आता है, आप करके देखिए ना। चलिए, फोर और सिक्स कैल्सियम 12 आया है, सिर्फ तीन बच्चे सही बताए हैं, बाकी सभी गलत बताए हैं। चलिए, आपका क्लास आप लोग से मिलते हैं। 4 बाय 6, 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 आएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, जल्दी कीजिए। डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया है उसको डिवाइड कीजिए, तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? 3 टाइम्स में, ओके। और इस 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 जा 45, 6 से 12 को डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12 और 13 2 जा 26। अब हमारे यहाँ पर देखिए, एक फ्रैक्शन है 45 बाय 12, दूसरा फ्रैक्शन है 26 बाय 12, दोनों लाइट का फ्रैक्शन में आ गया 40। अब आप देख सकते हैं 45 यहाँ पर बड़ा है, तो ये 15 बाय 4 का 45 है, तो 15 बाय 4 इज अ ग्रेटर नंबर। आप ऑलरेडी आंख बंद करके बता सकते हैं। और जब आप ये करना सीख जा बताते हैं जब आप ये करना सीख जा रहे हैं, इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन में हम यहाँ पर दे देंगे आपको 15 बाय 4 प्लस 13 बाय 6, मींस कि कोमा के जगह पर हम साइन पुट करेंगे प्लस का और आप आसानी से बना लेंगे। मींस कहने का मतलब ये है, प्रोसेस सेम है। इसके बाद जो है क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, उसी तरह से 4 6 कैल्शियम लेंगे 12 आएगा, 4 6 कैल्शियम 12 आएगा, 4 का 12 45 प्लस 6 2 का 12 26। अब 45 और 26 को आपस में प्लस कर देंगे, 71 आ जाएगा, 71 बाय 12 हमारा ये एडिशन बन गया। देख लीजिए, आइए इसको भी देख लेते हैं। 7 बाय 5 है, प्लस कर देंगे यहाँ पर 8 बाय 3, 5 3 का एलसीएम जैसे लिए थे 15, सेम प्रोसेस 5 3 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 61 बाय 15। देखिए सेम प्रोसेस, एडिशन बन गया। अभी 2 बाय 4 प्लस 3 बाय 8, 4 8 का एलसीएम जैसे लिए थे उसी तरह से 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 8 8 से डिवाइड करेंगे 1 3, 4 3 7 बाय 8। देखिए एडिशन बन गया, मींस कि आपको अनलाइक फ्रैक्शन में जितने भी वर्ड होते हैं पुट द साइन ग्रेटर स्मॉलर फ्रैक्शन, साइन पुटिंग करना, असेंडिंग डिसेंडिंग, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब में प्रोसेस सेम है, सिर्फ उसके साइन के अकॉर्डिंग, हेडिंग के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज करना है, काम करना है, ओके। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, बाकी ए टू जेड वर्क इसमें उसी तरह से करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम लोग इस प्रॉब्लम पर जो भी वर्कशीट है आप लोग के सामने हम वर्कशीट प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग तुरंत इस वर्कशीट को बनाना स्टार्ट कीजिए, और जो भी बच्चों को वर्कशीट चाहिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, वो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से कहीं भी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा इस वीडियो में, बहुत से वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब फिल नहीं हो पा रहा है टाइम के अभाव में। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।